बिहार का बेटा कैसा हो, बिहार कैसा हो, बिहार का बेटा कैसा हो, बिहार कैसा हो। साथियों, आज हमारे भाई साथी कॉमरेड कन्हैया कुमार का एक प्रोफाइल पूरे देश से, चाहे वो लोहियावादी हो, अंबेडकरवादी हो, गांधीवादी हो, सर्वोदय के कार्यकर्ता हो, या वामपंथ के किसी भी धड़े के साथी हो, ये सारे लोग उनके इज्म के झगड़े को साइड में रखकर बेगूसराय आने वाले हैं। और वे इसलिए कि कन्हैया का जीतना इस मुल्क में गरीब आदमी के, गरीब औरत के संघर्ष को आगे ले जाने की दिशा में, यही सोच और समझ के साथ हम जब गुजरात की विधानसभा का चुनाव लड़े तो बहुत से लोग पूरे देश में से समर्थन के लिए आए। वो सारे लोग जो समर्थन के लिए आए, वो सारे के सारे मैं मेरे जीवन में जो किया है या कहा है उनसे पूर्ण रूप से सहमत थे या है, ऐसा नहीं। लेकिन ब्रॉडली हम लोग प्रो पुअर लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं। इस मुल्क में, उस देश में, दुनिया में अडानी और अंबानी के बजाय किसान और मजदूर का शासन चाहते हैं, छुआछूत और जाति व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, पितृसत्ता से मुक्ति चाहते हैं। ये कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग के जो मुद्दे हैं, ये सारे लोगों को यहाँ पर बिहार में, बेगूसराय में लाने वाले हैं। बहुत से साथी आ भी चुके हैं। तो अब जो एआईएसएफ की टीम है, जो कन्हैया की कोर है, वैसे तो हम भी उसकी कोर ही है, मेरे साथी जो कलकत्ता से आए वो भी उसकी कोर है, साथी बैठे हैं। एक बात को तय कर लीजिए, आज से हर दिन कम से कम 16 घंटा काम करें, इसका निर्णय करके जाए। यदि मोदी के 5 साल के घटिया शासन को देखने समझने के बाद, फांसीवाद के इस दमन चक्र के दौर को देखने समझने के बाद भी यदि अपने सर्कल के एक साथी के लिए रोज के 12-14-16 घंटा देने का कमिटमेंट नहीं, तो हमें जो भी प्रगतिशील होने का दावा करता है यहां पर बैठा साथी, उसे बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाके सो जाना चाहिए। यदि हम कमिटेड है इन फासिस्ट संघीय भाजपाइयों को गिराने के लिए, कन्हैया को जिताने के लिए, तो आपका गला घिस जाए, आपके हर एक मसल में दर्द हो, आप पगला जाए, तब तक डेली 12-14-16 घंटा काम करता है। चाहे न सोने का ठिकाना हो, न उठने का हो, न खाने का हो, न ट्रांसपोर्टेशन का हो, लेकिन इस क्रिकेट गिरिराज को गिराएंगे। पर हम हारा गए थे, भाजपा माले की ओर से युवा साथी कॉमरेड राजू यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त उनका कैंपेन चल रहा है। 8-10 जनसभाएं हम लोगों ने एड्रेस 600-700 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। कल्पना कीजिए कि भाजपा माले के हमारे साथियों की आरा की सीट भी निकले और बेगूसराय भी निकले, तो फिर 2020 के असेंबली के चुनाव में और उसके साथ साथ जितने भी जन आंदोलन बिहार की धरती में हो, उसका रंग क्या होगा। इसके लिए 12-14-16 घंटा होगा। तो साथियों, मैं यहां पर कोई लंबा भाषण तो नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 मुद्दे जो जनता के बीच में रखने चाहिए, मैंने मेरे खुद के चुनाव लड़ने के अनुभव के दौरान एक बात नोटिस किया, सबसे ज्यादा जो चीज मेरी फेवर में क्लिक हुआ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो ये, मैं यहां से बोलता था,
मैं जनता को कहता था कि चुनाव के 24 घंटा बाकी होगा, तब गुलाबी रंग की 2000 रुपए की लौट लेकर आपके बीच में आना, लंबी लंबी गाड़ियां हो, हमारे पास क्या है, हमारे पास टीम है, हमारे पास प्रगतिशील लोगों का काफिला है, हमारे पास प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है और कुछ बदलने की चाहत है। दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करिए, कौन जीतने वाला है, कन्हैया कुमार। और इसीलिए मैं तो कहता हूं, अब कन्हैया कुमार नहीं, बेगूसराय के सांसद डॉक्टर कन्हैया कुमार। और जनता के बीच जाकर कहिए कि लंबी लंबी गाड़ियों में नहीं आए। हर रोज में मेरे गांव में जाकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहता था, बूढ़ी मां को, औरतों को, बहनों को खास, बुजुर्गों को खास, कि एक दिन पहले ये लोग 2000 रुपए का नोट लेकर आएंगे, एक दिन के लिए आपको खरीदेंगे और 5 साल के लिए आपको बेच डालेंगे। आप उनको कहिए, उनकी आंखों में आंख डाल दिल से कहिए कि हम लोग गरीब हैं। जब ये लोग पैसा बांटने आए, गिरगिट के लोग, तब हमको कहना है जनता को अभी से कि लोग पैसा बांटने के लिए आएंगे, उनके लिए 25-50 करोड़ बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग जब पैसा बांटने आए, तब आपको ये कहना है किसको, बेगूसराय की जनता को, कि गरीब है, मजदूर है, 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे 2000 रुपए के नोट की खातिर हम गरीब लोग हमारे आत्मसम्मान को दांव पर नहीं। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, उनको ये कन्वे हो जाएगा कि इनके पास बांटने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास ईमानदारी है। ये बात कन्वे होती है और होती है, क्यों, मूलतः ज्यादातर ब्रॉडली दुनिया में बाय एंड लार्ज लोग अच्छे हैं, तो इस बात के ऊपर खेलें, वो झूठ पर खेलेंगे, हम हमारी ईमानदारी के ऊपर बात करते हैं। और उनको कहिए कि ये भारत सरकार का मंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ता है, करोड़ों अरबों में खेलता है, 5-स्टार होटल में रुकता है, उसको क्या बेगूसराय की जनता पकड़ने के लिए दिल्ली जाएगी? अरे ये बीहड़ का छोरा है, कभी भी आपके हाथ में है, अगर वो नहीं रहा तो उसका चचा रहेगा, उसका भाई रहेगा, सीपीआई की पूरी टीम रहेगी, एएसएफ की काडर रहेगी, यहां पर उसका ऑफिस रहेगा, उस गिरगिट को पकड़ने कौन दिल्ली जाएगा? और एक बात मेरी ओर से भी थी, क्योंकि गिरगिट ने मेरे लिए विशेष प्रेम दिखाया है, तो हम भी थोड़ा करना चाहते हैं। हमारी ओर से जनता को कहिएगा कि गुजरात में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, तो जब यूपी और बिहार के मजदूरों को गुजरात में मारा पीटा गया, तब मोदी और अमित शाह खामोश क्यों? क्या प्रधानमंत्री, इस मुल्क के प्रधानमंत्री होने के नाते और एक गुजराती होने के नाते, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि गुजरात की जनता को दो हाथ जोड़कर अपील किया जाए कि मेरे भाइयों बहनों, गुजरात वासियों, यूपी और बिहार के मजदूरों के साथ ये गलत व्यवहार बंद कीजिए, ये अपील क्यों नहीं किया? और यदि आपने ये अपील नहीं किया तो मोदी और अमित शाह, रामविलास पासवान और ये गिरगिट कौन सा थोबड़ा लेकर हमारे बीच में वोट मांगने के लिए, तब भी हमारा ये पोजीशन था, आज भी हमारा ये पोजीशन है कि यूपी और बिहार के मजदूरों के लिए गुजरात का दरवाजा कल भी खुला था, आज भी खुला है और हमेशा के लिए खुला है, क्योंकि इस प्रकार की मैली गंदी राजनीति हम यकीन नहीं करते। लेकिन मोदी और अमित शाह बहुत कन्वीनियंटली उस वक्त खामोश रहे, उनकी इस खामोशी के
खिलाफ हमने कहा था बिहार की धरती से कि प्रधानमंत्री नहीं नमक हराम है, और ये गिरगिट उल्टा हमको सवाल पूछ रहे हैं, तो इस बात से जनता को अवगत कराया गया। और एक बात भी याद रखिएगा, वो 25 किस्म के गोले फेंके गए, सारे गोले में से एक भी गोला हमको पकड़ना नहीं, हम हमारा एजेंडा सेट करेंगे, और हमारा एजेंडा समाजवाद है, उनका एजेंडा फासीवाद, हम उनके कहने पर रिएक्ट करेंगे नहीं। किसी भी कास्ट और रिलीजन के भाई बहन की सेंटिमेंट कतई ऑफेंड न हो, इस बात का बहुत ख्याल रखना। और एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं तो बहुत से लोगों को मन करेगा कि रोज उनसे मिले, उन्हीं की गाड़ी में जाए, उन्हीं के रूप का हिस्सा।